So good morning, class 4th. Today we will study chapter number 6, which is articles. आज हम chapter number 6 पढ़ेंगे. क्या है वो articles? Articles क्या होते हैं बच्चों? A और an या the का use. A, an और the का use हम कहाँ करते हैं? ये हम इस chapter में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कितने टाइप के आर्टिकल्स होते हैं. दो टाइप के आर्टिकल होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल. इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन आते हैं और डेफिनेट आर्टिकल में द आता है. तो इंडेफिनिट आर्टिकल हम कहाँ यूज़ करते हैं? वी यूज़ द इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन विद काउंटेबल नाउन व्हेन वी डू नॉट नो एग्जैक्टली विच वन वी आर रेफरिंग टू. मतलब हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं. कब यूज़ करते हैं? जब हमें उनकी एग्जैक्टली क्वांटिटी पता नहीं होती कि वो कितने हैं और किसके बारे में बात करी जा रही है. जैसे पुलिस आर सर्चिंग फॉर अ 14 ईयर ओल्ड गर्ल. वी ऑल्सो यूज़ इट टू शो द पर्सन और थिंग इज़ वन ऑफ अ ग्रुप. शी इज़ अ प्यूपल. अब देखो 14 ईयर ओल्ड गर्ल की तलाश कर रहे हैं तो वो एक किसी लड़की की तलाश हो रही है. शी इज़ अ प्यूपल एट लंडन रोड स्कूल. वो कहाँ की स्टूडेंट है, कहाँ की प्यूपल है? एक प्यूपल है, किसी लड़की के बारे में बात हो रही. इसी तरह से हम ए और एन का यूज़ करते हैं. बाकी आप लोगों ने पढ़ा था कि हम ए का यूज़ और एन का यूज़ कहाँ करते हैं. ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट्स के साथ करते हैं और एन का यूज़ हम मेनली वॉवल के साथ करते हैं. तो हम एक्सरसाइज अपनी करते हैं. राइट ए और एन इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स. जेन वुड लाइक टू हैव अ पोनी. पोनी एक है तो एक के बारे में बात हुई, इसलिए अ. कुड यू गिव मी एन एग्जाम्पल. जॉन फाउंड अ लकी पेनी टूडे. डॉक्टर्स रिकमेंडेड एट लीस्ट एन आवर ऑफ एक्सरसाइज 3 times अ वीक. एट होम वी हैव अ ह्यूज टेलीविजन. I bought pair of pants and a shirt. There is a beautiful garden in front of my house. तो ये था हमारा ए और एन का यूज़ जो हमने countable noun के साथ किया, लेकिन इनको क्या कहते हैं? Indefinite article कहते हैं. अब आता है definite article the. Definite article the is the most frequent word in English. ये अक्सर हम यूज़ करते हैं. Use of the, अब पढ़ते हैं कि हम इसको कहाँ करते हैं. वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ अ नाउन व्हेन वी नो एग्जैक्टली व्हाट वी आर रेफरिंग टू. हम द का यूज़ उस नाउन के सामने करते हैं जब हमें पता होता है एग्जैक्टली हम किसके बारे में किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं. जैसे द पोप इज़ विजिटिंग रशिया. पोप जो है वो क्या है? डेफिनेट है नाउन जो है. पोप नाउन है और इसमें आर्टिकल कौन सा लगेगा? द डेफिनेट आर्टिकल. ऐसे ही मून. मून हमारा एक है तो हम उसके साथ लिए क्या यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं. ऐसे ही द प्रिंस ऑफ ईरान. किसी को डिनोट कर रहे हैं, रिफ़र कर रहे हैं किसी स्पेशल पर्सन को, तो वो क्या है? द प्रिंस ऑफ ईरान. वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल विद अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव. सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं. जैसे टॉल का टॉलेस्ट, ये सुपरलेटिव हुआ इसलिए इसके साथ क्या यूज़ किया? द. ऐसे ही ओल्ड का ओल्डेस्ट सुपरलेटिव हुआ इसलिए इसके साथ क्या यूज़ किया? द. तो हम इसके साथ अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज नंबर बी. फिल द ब्लैंक्स विद ए और एन और द. हम ए एन और द इसमें हमें फिल करना है कि हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं. शी ऑफन गेट्स टू स्कूल बाय द ट्रैम. ट्रैम कोई व्हीकल का नाम है तो उसको हमने डिनोट किया द से. नॉर्मन कैन प्ले द पियानो वेल. नॉर्मन क्या बना सकता है? बजा सकता है पियानो आराम से. द ब्राउन्स यूजुअली गो ऑन हॉलीडे टू ग्रीस. ब्राउन्स कहाँ जाते हैं हॉलीडे पे? ग्रीस. तो ग्रीस को डिनोट किया जा रहा है ब्राउन को. हैव यू सीन द लीनिंग टावर. क्या तुमने लीनिंग टावर झुका हुआ टावर देखा है? माई ब्रदर लव्स प्लेइंग द टेबल टेनिस. टेबल टेनिस को डिनोट किया जा रहा है इसलिए द. लुक देर इज़ अ मैन स्टैंडिंग एट द डोर. कोई किसी आदमी को है तो ये काउंटेबल नाउन तो है लेकिन डेफिनेट नहीं है इसलिए ए का यूज़ हुआ है.
लुक द डॉल्फिन इज स्विमिंग इन द सी. अब डॉल्फिन को डिनोट किया गया तो द. कैन आई ट्राई ऑन द ब्लू ड्रेस प्लीज. ब्लू ड्रेस को डिनोट किया गया तो द क्वीन विजिट विल विजिट आवर कंट्री नेक्स्ट ईयर. क्वीन एक स्पेशल पर्सन है इसलिए द. टॉम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन हिज क्लास. अभी हमने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी द यूज़ होता है. सेम एज इट इज़ आपको ये एक्सरसाइज भी करनी है. ओके आई होप इट इज़ क्लियर.